जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा टेस्ट होने वाला है उसमें रविचंद्र अश्विन एक खास रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं, तीसरे टेस्ट में एक खास रिकॉर्ड तोड़ने पर हैं रविचंद्र अश्विन की नजरें। दोस्तों आपको बता दूं, अभी अनिल कुंबले हैं टॉप पर इसमें। दोस्तों आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में भारतीय टीम शुरुआती दो टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों टेस्ट मैचों में भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए कंगारू टीम के बल्लेबाजों की जमकर क्लास लगाई है। दोस्तों वहीं इंदौर में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में रविचंद्र अश्विन सिर्फ 2 विकेट चटकाते ही भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दोस्तों इसके अलावा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के दम पर अश्विन की निगाहें अनिल कुंबले के महा रिकॉर्ड को तोड़ने पर भी बनी हुई है। दोस्तों आपको बता दूं, दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 मार्च को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाला ये मैच है। दोस्तों आपको बता दूं, इस टेस्ट में भारतीय टीम के स्पिनर रविचंद्र अश्विन सिर्फ 2 विकेट हासिल करते साथ पूर्व कप्तान कपिल देव का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दोस्तों कपिल देव ने 687 इंटरनेशनल विकेट चटकाए हैं। दोस्तों ऐसे में अश्विन इंदौर टेस्ट में 2 सफलता हासिल कर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे। दोस्तों जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।